बरेली की आला हजरत दरगाह से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर मुसलमानों को धमकी देने का आरोप लगाया है। जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर देश को तोड़ने की योजना बना रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी दे रही है। मौलाना ने मुसलमानों से भी बागेश्वर धाम आश्रम में न जाने की अपील की है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। और मुसलमानों को धमकी देने का क्या मतलब है? मैं उनसे उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों को धमकी न दें। हिंदुस्तान का बाशिंदा अमन पसंद और शांतिपूर्वक है। यूपी में स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस में से 15% लौटाना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है। शासन के आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में संचालित सभी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क में से 15% छात्रों को लौटानी होगी। इसे लेकर दो तरीके बताए गए हैं। पहला ये कि यदि बच्चा अब भी उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी आगे जमा होने वाली फीस में यह धनराशि एडजस्ट कर दी जाएगी। दूसरा यह है कि यदि बच्चा स्कूल छोड़ चुका है तो यह 15% धनराशि उसको लौटाई जाएगी। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि कोरोना काल में अधिकतर स्कूलों ने अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए 20% तक फीस में छूट दे दी थी। यदि किसी स्कूल में ऐसा नहीं किया गया है तो उन्हें अभिभावकों से संपर्क कर फीस लौटा देना चाहिए। तो आदेश का पालन करने का के लिए साफ तौर पर शासन की तरफ से भी कह दिया गया है 15% फीस अभिभावकों को स्कूलों की तरफ से वापस अब करनी होगी। कोविड काल के दौरान स्कूलों ने बच्चों से पढ़ाई के नाम पर जो फीस ली थी उसमें से एक शैक्षिक सत्र की फीस का 15% छात्र छात्राओं के अभिभावकों को वापस करने या फिर उसे वर्तमान सत्र की फीस में समायोजित करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे। इसके बाद शासन ने भी अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या स्कूल इन आदेशों का पूरी तरह पालन करते हैं, क्योंकि कई स्कूल ये भी तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने तो कोविड काल के दौरान ही आर्थिक समस्याओं को देखते हुए अभिभावकों को फीस में छूट दे दी थी, ऐसे में एक बार फिर से डिस्काउंट देना संभव नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने कोविड काल के दौरान भी स्कूल फीस में राहत नहीं दी थी, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो स्कूल अब अभिभावकों को फीस वापसी या फिर वर्तमान सत्र में उनके बच्चों की फीस में समायोजन करेंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके आधार पर अब शासनादेश भी आ गया है, किस तरह से आप लोग कर रहे हैं इस पर काम? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है और अभी शासनादेश जारी हुआ है, इसके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने मेंबर स्कूल्स हैं उन्होंने कोविड काल में अपनी तरफ से बढ़ के पहले ही 20% तक का डिस्काउंट पेरेंट्स को दिया हुआ है और जनरली सभी को दिया था, क्योंकि उस समय आपदा की स्थिति आई थी और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासनादेश 2 जारी हुए थे और उसका पालन भी हम लोगों के द्वारा किया गया। और एक बात मैं आज और कहना चाहूँगा, यहाँ पर बात हो रही है केवल 20-21 की, उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को 21-22 की फीस की भी बढ़ोतरी की रोक लगाई थी, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया था क्योंकि पेरेंट्स के सामने वाकई में दिक्कत चल रही थी। और जो स्कूल्स ये डिस्काउंट्स अपने यहाँ दे चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके ऊपर तो ये बाध्यता होती नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जिन विद्यालयों के स्तर पर ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पर वो उनको संपर्क करें पेरेंट्स और उनको एडजस्ट किया जाएगा, और जो बच्चे जहाँ से पढ़ के जा चुके हैं उनको रिफंड करेंगे या उनको बुलाएंगे, या ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि वो स्कूल को कैसे अप्रोच करते हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते थे सरकार हाईकोर्ट के फैसले के पहले सरकार को इस पे एक्शन ले लेना चाहिए। किसी स्कूलों ने नहीं माफ किया है, जिन्होंने दबाव बना लिया है या किसी तरह प्रेशर बना लिया स्कूलों पे, उनकी तो अलग बात है, वापस कर दिया गया होगा। तो मुश्किल से 5% या 10% भले बच्चों की फीस वापस हुई हो, बाकी अभी 95% किसी की फीस वापस नहीं हुई है। तो पहले तो हम लिखित में शिकायत करेंगे, DRS साहब से बात करेंगे, DM साहब से बात करेंगे,
उसके बाद भी अगर नहीं हमारी सुनवाई होती है तो और ऊपर तक जाएंगे और फिर भी नहीं होती है तो हम पुनः फिर कोर्ट जाएंगे। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में पुलिस ने एक कबाड़ की दुकान पर छापा मारकर 5 गाड़ियों को जब्त कर लिया और कबाड़ दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई आगरा पुलिस की तरफ से की गई थी जो 2 चोरों को लेकर फिरोजाबाद के जाटापुरी के एक कबाड़ दुकान पहुंची थी। दोनों चोरों ने पूछताछ में 5 चोरी की गाड़ियों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों की निशानदेही पर छापा मारा। तो 2 चोरों को लेकर के यहां पहुंची थी पुलिस, इसके बाद यहां कार्रवाई की गई है। कबाड़ दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। आगरा पुलिस ने चोरी की 5 गाड़ियां भी यहां से बरामद कर ली है। तो 2 चोरों को पहले पकड़ा गया था और उन चोरों की निशानदेही पर पुलिस उन्हें लेकर के यहां पहुंचती है। कबाड़ दुकान के मालिक को हिरासत में यहां ले लिया गया, छापेमारी की गई और चोरी की 5 गाड़ियों को भी यहां से पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो ये चोर गाड़ियों को चुरा करके यहां पर ला के रखते थे इस कबाड़ की दुकान पर, इसीलिए कबाड़ की दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया है। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की गोली से घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती है। गिरफ्तार बदमाश का नाम भूरे जाट बताया जा रहा है। तो जालौन से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम यहाँ भूरे जाट बताया जा रहा है। तो पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी, इसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की थी इस बदमाश की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है पकड़ने के दौरान ही, तो 15,000 का इनामी बदमाश ये बताया जा रहा था, हालांकि इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।